उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के तिगड़ी ग्राम स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस शनिवार को ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में तिगड़ी एवं बहरामपुर में घूमती हुई पुनः तिगड़ी ग्राम के शिव मंदिर परिसर स्थित कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान ग्राम की महिलाओं ने कलश अपने सर पर धारण कर नाचते गाते वातावरण को भक्तिमय कर दिया। कलश यात्रा के उपरांत मंत्रोच्चारण के बीच पुराण पूजन एवं व्यास जी की तिलक कर पूजन किया गया। कथा के प्रथम दिवस कथा व्यास ओम करंद जी महाराज ने भागवत महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि जब कोटि जन्मों का पूर्ण उदय होता है तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। कथा के स्वर्ण मास से हमारे मेरु पर्वत के समान पापों को समान हो जाता है, इसलिए जीवन में हमेशा नेक कार्य करते रहना चाहिए। परोपकार की भावना हमारे जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करती है। इस तरीके का गुणगान जो है भगवान का यहाँ पर किया गया। आर सो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। आर सो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं गाजियाबाद से निशांत शर्मा की ये रिपोर्ट। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी, आज प्रथम दिन है, आरंभ किया जा रहा है श्रीमद् भागवत गीता का, किस तरीके से आज का पहला दिन रहेगा, कौन सी कथा का आरंभ किया जाएगा? आज हमारा पहला दिन है जिसमें कि कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा होने के बाद आज महात्म्य बताया जाएगा कि महात्म्य ऐसा होता कि भगवान श्री सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाया और किसके द्वारा कहाँ तक कौन सुना है, तो वही भक्तों को बताया जाएगा। और कलश के बारे में बताया जाएगा कि कलश क्यों उठाया जाता है, कलश में जो नारियल होती है वो कौन सी है और किसका रूप दिया गया है। आज का यही क्वेश्चन में बताया जाएगा। और कल की कथा जो वो हमारी होगी उसी राजा परीक्षित का जन्म और जन्म से लेकर के नार संवाद तक सती चरित्र तक कल की कथा कही जाएगी। कलश यात्रा का महत्व बताइए। कलश यात्रा कहा गया कि कलश यात्रा जो होता है, कलश यात्रा में हर एक तीर्थों के राजा, जो नदी गंगा होती है, हर तीर्थों के भगवान श्री वरुण देव के गण होते हैं और उन गणों को बुलाया जाता है, जो समुद्र शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि जितने तीर्थ यात्राओं के जल हैं इकट्ठा होते हैं वो वरुण भगवान के गणों को बुलाते हैं और उस जल को हम रखते हैं, उसमें सारे 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करके बुलाया जाता है। जो कि कहा गया कि कलश, अगर कलश में जो जल भरा रहता है उस जल का बहुत ही बड़ा महत्व है। इतना बड़ा महत्व बताया गया कि कैंसर जैसे रोगी व्यक्तियों को अगर उस जल को पिलाया जाए, अंधे व्यक्ति को अगर उस जल को डाला जाए, अगर जिसको सुनाई नहीं पड़ता है उस जल को डाला जाए तो उसका बहुत ही फायदेमंद होता है। जो कि सुनाई भी पड़ने लगता है, दिखाई भी देने लगता है और अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों का दमन करता है, क्योंकि इसमें भगवान का 33 कोटि देवी देवता का आवाहन करके उस जल को अभिमंत्रित किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है जिनको कलश उठाने का सौभाग्य मिलता है, प्राप्त होता है, कि जो अनेक जन्मों का संस्कार जब उदय होता है, जब ऐसी कथाओं में कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है।